पहला चुनाव रहा वो सबसे बड़ा मुद्दा रहा, एक तो पहला कश्मीरी पंडितों का रहा और राम मंदिर का रहा। मैं मानता हूं कश्मीरी पंडितों का खून जितना इस देश में बहा है, आज भी हमारे सामने वो आक्रोश वो आकांत हम भूल नहीं सकते। लेकिन सरकार कैसे भूल गई? सरकार ने यहां आकर, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, एलजी साहब हो, यहां आकर उनकी बात तो सुनिए, उनका आक्रोश सुनिए, मानवता के नाते सुनिए। आप फिर एक बार राजनीति करना चाहते हो, फिर एक बार उनके नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हो, ये गलत है। कश्मीरी होलोकॉस्ट डे मनाते हैं, कश्मीरी पंडित ब्लैक डे है, जानबूझकर ये दिन चुना है कि नहीं? मुझे नहीं, मैं आ गया और ये दिन आज निकला है यहाँ। मैं तो भारत जोड़ो यात्रा को निकला था, लेकिन जब मुझे पता चला कि यहाँ ये आंदोलन चल रहा है, तो मैंने हमारे लोगों से कहा एक दिन हम वहां लेट पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ जो धरने पर लोग बैठे हैं हमारे भाई कश्मीरी पंडित, उनसे पहले मिलकर आऊंगा मैं, बाद में आगे जाऊंगा। हमेशा हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे देश के पहले नेता थे जिसने कश्मीरी पंडितों की बात उठाई, और सिर्फ उठाई नहीं, तो ये कहा कि महाराष्ट्र के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आज भी महाराष्ट्र में, मुंबई में, पुणे में, नासिक में जाइए, कश्मीरी पंडितों की कॉलोनीज हमने बनाई है, आप जाकर देखिए, लोग रहते हैं वहाँ, उनके स्कूलों में रिजर्वेशन दिया, आज वहाँ लोग नौकरी करते हैं और उनको रिस्पेक्ट है वहाँ कि हमारे भाई है। ये सब बाला साहब ठाकरे जी की देन है। अगर बाला साहब ठाकरे कर सके तो मोदी जी क्यों नहीं कर पा रहे, अमित शाह जी क्यों नहीं कर पा रहे? मेरा सवाल ये है कि आपने समर्थन जो दिया, जो सबसे लंबा चला आने में उसके बाद ये दूसरा आंदोलन भी नहीं, हम तक पहली बार जम्मू आ रहे हैं। नहीं, हम जब हमको ये आते नहीं, जब हमको संदेश मिला है यहाँ आंदोलन हो रहा है तो हम आ गए। इससे पहले ये होता था कि कश्मीरी पंडितों के जो प्रतिनिधि है वो मुंबई में हमको आकर मिलते हैं, बाला साहब को मिलते थे, उद्धव ठाकरे साहब को मिलते हैं, हमको मिलते हैं, तो उनके जो भी समस्या काम हम कर सकते हैं महाराष्ट्र में, हमने कर दिया है। और आज मैंने कहा कि उनका जो मुद्दा है हम पार्लियामेंट में गूंजेगा, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, और भी पॉलिटिकल पार्टीज को हम उस मामले में साथ लेकर आएंगे। किसान आंदोलन का मामला जो था एक साल से ज्यादा तक चला था, ये भी लोग जो है कश्मीरी पंडित हमारे भाई 200-250 दिन से बैठे हैं, अभी तक उनकी तरफ कोई भी आके मिला नहीं है, केंद्र सरकार ने कोई दखल नहीं दिया, आपकी क्या भावना? देखिए, अगर कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर सरकार इतनी ढिलाई दिखा रही है, कश्मीरी पंडित में खास करके बोल रहा हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी जिस कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा राजनीति करती आई है, ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। कश्मीर और यहाँ की जनता, मूल जनता, प्रधानमंत्री ने तो पहले प्रेफरेंस देकर ये काम, छोटा सा काम है उनका, करना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? ये लोग वहां जाकर अपने बच्चों के साथ जाकर फिर एक बार मौत के घाटी में जाए? नहीं, जब तक उनको विश्वास नहीं कि हम सुरक्षित है, तब तक वो वहां नहीं जाएंगे। इतनी जाने गवाई है ये कम्युनिटी ने, और कैसे ये रिस्क ले सकते हैं? फिल्में जो आई है बीच के, अरे वो तो असर हुआ है, उससे भी कोई स्ट्रेंथ हुए रिलेशन में? अब मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा, लेकिन फिल्म होती है, सच्चाई क्या है वो यहाँ आकर देखिए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने। अब डर के मारे यहाँ बैठे है, अब तो सरकार कांग्रेस की नहीं है ना, अब तो सरकार दिल्ली में और यहाँ आपकी है, फिर भी लोग जाने से क्यों डर रहे हैं? आपने क्या किया 7 साल में? राहुल साहब, आप जम्मू आए हैं लेकिन महाराष्ट्र के मंत्री को कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जम्मू पहली बार आए तो भारत जोड़ो यात्रा में भी आप जुड़ रहे हैं, तो कुछ मंत्री कह रहे हैं महाराष्ट्र, यार धक्का धक्का मत करो, से सीधा पाकिस्तान चले जाएं? जी हाँ, पाकिस्तान को तो आपको जाना चाहिए था, आपकी तो सबसे पहले ये देश को वचन रहा कि हम अखंड हिंदुस्तान बनाएंगे और पीओ के लेके आएंगे। अगर आपको ये नहीं जमता है तो हम जाकर लेके आएंगे, अगर हमारी सरकार आई हम करेंगे, आप तो भूल गए। लेकिन आज मुंबई में प्रधानमंत्री खुद है और लगभग 35,000 करोड़ के कामों का उद्घाटन हो रहा है। आज सामना संपादकीय में आपने लिखा है कि उद्धव ठाकरे ने इस काम की शुरुआत की और देखो, मैं उसका उद्घाटन कर रहा हूं। मैं अभी जम्मू कश्मीर के भूमि पर बैठा हूँ, खड़ा हूँ, यहाँ की समस्या मैं सुन रहा हूँ, मुंबई में क्या हो रहा है मैं मुंबई में जाकर उस बारे में बात करूंगा। बस।